Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. आज आपको मैं चौथा लेक्चर ले रही हूँ आपका इस्लामियात का, जिसमें आपने क्या करना है कि आज आपने सूरत इखलास पढ़नी है। ये आपका नाजरा है, ठीक है। नाजरा में आपने क्या करना है, सूरत इखलास को याद करना है। पहले इसकी अरबी और फिर उसका तर्जुमा, एक एक लाइन का तर्जुमा पढ़कर आपने इसको समझ कर याद करना है। यही आपका नाजरा होगा। नाजरे में मैं आपको बताऊँगी तफसील के साथ कि आपके इसके मार्क्स, जिस तरह हम लोग पेपर में लगाते हैं, इसी तरह आपके ये मार्क्स भी लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको जब आप याद करें तो रोज़ाना अपने पेरेंट्स को इसको आपने सुनाना है। इसकी अपनी रूटीन बनानी है कि मैंने आज ये सूरत पढ़नी है और इसका तर्जुमे के साथ इसको रोज़ाना याद करके अपने मामा या बाबा को सुनाना है, ठीक है। चलिए अभी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सूरत है हमारी सूरत अल इखलास। सूरत इखलास जो है ये एक छोटी सूरत है, ये कुरान मजीद के तीसरेवें पारे में है, ठीक है। इसको, इन बातों को ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। इन्हीं में से आपसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी करूँगी, कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें कुल कितनी आयात हैं, चार। ये देखें, एक दो तीन और ये चार। कितनी आयात हैं, ये चार आयात हैं। ये सूरत अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताती है। वहदानियत किसे कहते हैं पता है आपको? वहदानियत बोलते हैं वाहिद, यानी कि एक को, कि अल्लाह ताला एक है। इसके बारे में ये हमें सूरत में पता चलता है। इस सूरत को सूरत तौहीद भी कहते हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास की फजीलत के बारे में फरमाया कि इस सूरत का सवाब एक तहाई कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। कि अगर आप इस सूरत को एक दफ़ा पढ़ लेते हो ना, तो आपको एक तहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको, सूरत को ज़रूर याद करें, क्योंकि ये जो सूरतें अभी आपने याद की होंगी ना इस छोटी उम्र में, तो ये आपको हमेशा काम आएंगी, आपको याद रहेंगी। इसलिए जब भी कोई भी सूरत आप याद करते हो तो उसको दिल लगा के और समझ कर याद किया करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है कि जो अल्लाह ताला के बारे में है कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, यानी कि हमारे पे रहम करने वाला है, ठीक है। आगे है, कुल हुवल्लाह वाहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यालिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर का नहीं, ठीक। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, अल्लाह ताला एक है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अल्लाह ताला एक है, कि इसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। जिस तरह हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, सेम वैसे ही इसमें देखें गवाही आ गई ना साथ ही, कि कुरान पाक में इस चीज़ की गवाही दे दी गई है कि अल्लाह ताला एक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, ठीक। अगली लाइन में उन्होंने लिखा है अल्लाह बेनियाज है, कि उसके जैसा और कोई भी नहीं है, उस जैसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा और, ठीक है। ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, कि उसको वो पैदा करने वाला तो सबका वो पैदा करने वाला है, लेकिन उसका कोई बाप नहीं है, कोई बेटा नहीं है, किसी से वो पैदा नहीं किया गया। अल्लाह माफ़ करे, कोई अगर हम लोग सोचते हैं ना ऐसी बात, तो वो हम गुनाह करते हैं उसके बारे में, और इसका और कोई इसके बराबर का नहीं। इसलिए जिस तरह मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है कि आपने ये चीज़ का जहन में रखना है कि अल्लाह के बराबर का कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। जो रोज़ी रिज़क, जो नेमतें वो हमें देता है, वो कोई और ना दे सकता है और ना कोई देगा, ठीक है। अब इसको आपने ध्यान से याद करना है, तर्जुमे के साथ समझ कर। कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पढ़ते वक्त अपनी मामा या बाबा को साथ आपने बिठा के इसको पढ़ना है और इसको याद करना है, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप समझ कर पढ़ें। चलिए ठीक है, फिर आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इसको याद करना है और फिर मैं आपसे मामा से पूछूँगी कि आपने उनको सुनाया था कि नहीं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।